स्कूल हाँ है आपका एक विकेट हो गया सुना नहीं मैडम कि मूवी अभी उनके जाने के बाद जिस तरह से रिलीज हो रही है तो कैसा लग रहा है आज उनके जो पोस्टर रिलीज किया गया उसको अच्छा है क्या आपको पता था कि मैंने भी वैसे मूवी देखा मैडम और कोई चीज़ जो आप मूवी के लिए कहना चाहते हैं उनके जाने के बाद इसकी मूवी का नाम जैसे प्रेरणा है तो किस तरह की प्रेरणा इसके अंदर छुपी विश्वधरा आपके आपको कुछ जानकारी है मूवी के बारे में क्या जिस समय मूवी की शूटिंग के लिए जाते थे तो आप साथ होते थे मैम आप क्या कहना चाहती हूँ तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब जैसे कि आज देवी की जो प्रेरणा फिल्म है उसका पोस्टर रिलीज हुआ है तो आज वो अगर हमारे साथ होती तो हमें बहुत अच्छा लगता मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी साउथ के जैसे प्रोड्यूसर है हरियाणा के हैं और जो ये कलाकार हरियाणा पंजाब के हैं वो सब जैसे कि फिल्म को जनता सब इसको सपोर्ट करे और देखे इसमें एक संदेश भी है जैसे वो एक जैसे मैंने दीदी का देखा उसमें संदेश दे रही है पीछे के जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री का कुछ ऐसा उन्होंने बोला है जैसे पर्यावरण के स्वस्थ भारत के ऊपर तो दीदी मरते मरते भी एक संदेश दे के गई है जी अगर मूवी आज होती तो जिस तरह से मूवीज़ में भी वादों कर रही थी सीरियल्स में भी कर चुकी थी वेब सीरीज़ में भी आ चुकी थी तो क्या आप चाहते थे कि वो इसी लाइन में आगे चले या फिर उनको पॉलिटिक्स ही करनी चाहिए मैं चाहती हूँ सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सोनाली मैम का पोस्टर रिलीज हुआ मूवी हाँ मैं जो मेरी शूटिंग चलती थी उनके बाद बात हुई थी उन्होंने बताया जो मुझे हमारी शूटिंग चलती है अच्छी हो रही समाज की तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहता हूँ यहाँ के कलाकार हैं बॉलीवुड के साउथ के हैं तो इस फिल्म का सपोर्ट करें और सभी लोगों से मेरे निवेदन है कि इन फिल्म को ज़्यादा देखें आज हमने इसका पोस्टर रिलीज किया फिलहाल मूवी के जो प्रोड्यूसर मूवी के बारे में क्या कहते हैं इस प्रकार की पहली बात तो ये है कि कोई प्रोड्यूसर अभी फिल्म बनाता है जिसको उसका पोस्टिंग से कौन को दिल से बहुत खुशी होती है लेकिन अगर मौका है कि मैं मूवी है तो जो भी वक्त तो बस ना आज पिछली बैठिया चाहे मूवी रिलीज के बारे में तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है ये बैठी रिक्वेस्ट है कि हमें जो भी बॉलीवुड स्टार हैं वो भी हमारी मूवी को सपोर्ट करें उनके कुछ में आपको एक संदेश मिलेगा लोगों को पता मुझे जो संदेश दिया है उसमें मैम जाते जाते भी पब्लिक को हमारे रोल देखो पब्लिक को उसके तरह एक संदेश देती है सर किस तरह का रोल रहने वाला है सोनाली फोगाट इस मूवी के अंदर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो थोड़ी दे सकता हूँ कि गांव गांव से लड़की है शहर में पढ़ने की जाती है स्टूडेंट है जी उसके बाद जो आजकल का जो माहौल है लड़कों का अच्छा भी देखते हैं बुरा भी देखते हैं जाते हैं वो लोग समझाती है फिर उनको कितना समझाते हैं लड़के को स्टडी लेकर उसको सिखाइए सब सब तक लेके जाती है जी शूटिंग के दौरान में बिहेवियर की बात करें सोनाली फोगाट की बिहेवियर की बात करें किस तरह का बिहेव होता था किस तरह का नेचर था उनका किस तरह की मतलब पर्सनैलिटी थी उनकी कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे आप बहुत ही बढ़िया जी बहुत ही बढ़िया सर क्या बताएं मैम के बारे में करें क्या हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है उसके बारे में लेकिन जैसे आपकी लास्ट बार मुलाकात कब हुई थी सोनाली फोगाट से तब मैम हमने प्रोग्राम करवाया था सोनू तक में मैडम का तो उस दिन हुई थी उसके बाद फोन पे का बात हुई है ना तो अब कुछ फिर वो जैसे हमें जिन्होंने किया है मेरी नज़र में तो है ना कल कानून क्या करेगा बेटी कह रही है कि हमें जब सरकार यहाँ की सरकार मांग कर रही है कि हमें CBI की जांच करे बेटी कह रही है CBI की जांच करे पब्लिक करे CBI की जांच करे ये हम ये नहीं कह रहे हमें किसी को फांसी तोड़ो के कसूर दो लेकिन जिसका कसूर है उसको तो सजा दो आज बेटी अकेली है जब मम्मी की मम्मी को सिक्योरिटी जब बेटी को सिक्योरिटी भी इतनी पड़ेगी अगर उन्होंने कोई साजिश के तहत आज सोनाली जी को मारा गया है कल बेटी कैसे सेफ है हमें सरकार किसी को छोटी घटना जो उसको 50-50 पुलिस वाले देती है इस बेटी की आंसू की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और वो सोनाली फोगाट जी जिसके मरते मरते भी अपनी डेड बॉडी ऊपर भी BJP का झंडा लेके मरी है उसकी लास्ट फिल्म आ रही है उसके अंदर भी BJP का ही प्रमोट कर रही है तो कुछ तो हम ये नहीं कह रहे कि सरकार इसके अंदर शामिल है लेकिन कोई तो शामिल है सर वही तो बात हम लोग भी कहते हैं सेंटर में भी BJP
है, गोवा में बीजेपी है, हरियाणा में भी बीजेपी है, उसके बावजूद भी सीबीआई जांच को लेकर फुल स्टॉप क्यों लगाया गया है, क्यों नहीं अभी तक जो है ये जांच की जा रही है, आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर? हाँ सर, मैम इसके बारे में कह सकता हूँ, सरकार ही है, हमारी सरकार, यहाँ की सरकार, सीएम साहब है, उनको कह रहे हैं कि सीबीआई जाँच करे, अब क्या है सरकार क्या चाहती है, लेकिन हमें तो ये है कि किसी चीज से इंसाफ तो मिले, किसी व्यक्ति को इंसाफ तो मिले। शूटिंग के दौरान अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपने उनको स्ट्रेस में देखा है, डिप्रेशन में देखा है, कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि वो कुछ कहना चाहती हैं बट कह नहीं पाई आपसे, कुछ इस तरह की बातें कभी हुई आपके साथ से शाम में? थोड़ा कभी हुई भी, कभी हम अकेले बैठे हैं तो मैम ने जो बिगड़ की बात कहती गई है, बताने की बात कही है, लेकिन उसने अकेला छोड़ने की कोशिश, मतलब अकेला छोड़ना ही उचित नहीं समझा, मतलब पता नहीं मैं क्या प्रेस कर रही थी। सुधीर सांगवान ने जी कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी अकेला स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मेरी एक दो बार कभी ऐसा मोमेंट आया ही नहीं कि जब आप उनके साथ नहीं अकेले बैठे, नहीं अकेले बैठे मैम। जैसे हमारा महाराजा होटल है उसके अंदर ये अपने सुधीर सांगवान जी और मेरे फिल्म के हीरो हैं राकेश जी, वो नीचे साइड में कर दिए, मैम मेरे वो एक ना बैठ गए थे, आधा घंटा हम बात करते रहे, फैमिली की बात करते रहे, अगला प्रोजेक्ट था मैम के साथ, हमने आज उनको करने की इच्छा थी जो हमारे ये चिट्टा का चलन चला हुआ है उसके ऊपर मैम की इच्छा थी कि मैं मूवी बनाऊँ, ठीक है ना। लेकिन उस दिन के बाद अभी देखिए हमने 10 मिनट भी मैम के साथ बात कैसे कर दिया, उस दिन के बाद वो मेरा सुन हो गया, उसके बाद हमारी बात भी हुई है, पता नहीं मैम आपके क्या प्रभाव आ रही है, मेरा क्या असर पड़ना है, लेकिन ये है कि यहाँ पे सारा कुछ इतनी चाल साथी करने के बाद को मान लिया है। मतलब आपको मतलब नहीं पसंद था उसको देखना सुधीर सांगवान? नहीं, ये बात नहीं पसंद नहीं था, लेकिन उसका जो भी उठाने थी वो पसंद नहीं था, वो क्लियर दिख रहा था हम भैया जब प्री प्लान है मैडम के साथ कितने दिन चलेगा। सर एक बात और जानना चाहूँगी, व्यक्तिगत है, आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप अवेयर करें इस चीज को लेकर कि किसी भी इंसान के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करना हानिकारक हो सकता है आपके लिए? सामने बोल नहीं पाए थे, अब जो घटना क्या मूवी की शूटिंग के दौरान भी वो अपनी बिल्कुल करते थे जी, जैसे मेरी मूवी का शेड्यूल है हम 10 बजे हम सारे कलाकार सारे टीम के लोग बैठे आए हूँ, लेकिन हम 3 बजे मैडम को 3 बजे लेके आया है, उसके बाद कुछ बात कहता है मैम इतना टीम बैठे हैं, मैं कहता कुछ और, लेकिन मैडम कुछ और बताता था, आने के बाद क्लियर होती थी मैडम यही कहती थी हमें कोई बात नहीं आना कुछ ही बात होती है मैम, आप दाना आपने मेरे ऊपर विश्वास मांगा आपके ऊपर तो है, लेकिन मैं यू आपका नाश कराएगा, एक बार नहीं मैम मैंने कई बार समझाने की कोशिश। शुद्रा आपसे जानना चाहूंगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर अभी भी बात अड़ी हुई है, अभी तक जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, और आप लोगों ने कहा था कि सीएम से मुलाकात करनी पड़े तो करेंगे भी सही, तो कब तक मुलाकात करने के आसार नजर आ रहे हैं, कब तक करेंगे मुलाकात? गोवा पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है कितना संतुष्ट है आप अपने उससे? बिल्कुल, कारण बता सकते हैं? तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, पुलिस का काम है उनसे सच बुलवाओ, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। यहाँ पर भी आए हैं, संत नगर के घर पर भी आए हैं, हर जगह को छानबीन करके गई है, रोहतक भी उन्होंने छानबीन की है, गुड़गांव के अंदर भी छानबीन की है, तो कुछ ऐसा निकल कर आया सामने जिससे लगता हो कि किसी मतलब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है आपकी मदर की मौत हुई है, क्या कहें? कुछ निकल कर नहीं आया है, इसलिए हम सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे जी। तो अभी सरकार मामा जी ने कहना था कि जो गोवा पुलिस यहाँ पर करके गई है छानबीन, ये हम ऑलरेडी उनको बता चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर टाइम पास करते हुए, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है कि एक तरह से टाइम पास ही कर रहा है, एक्सक्यूज उधर बैठा और तुम इधर घूम रहे हो, तो फिर ऐसे नहीं चलता। सरकार पर कितना विश्वास करते हैं शोधन आप? सरकार पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन अभी वो हमारी मदद ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर सकते। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों दिल्ली के सीएम आपसे आकर मिलकर गए थे, और उसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान भी जो है आपसे आकर मुलाकात करके गए थे, उसके बाद कितनी उम्मीद आपको लगती है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को बहुत जोरों शोरों से उठाएगा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर? लगता है कि विपक्ष मुद्दा उठाएगा, लेकिन अभी तो कुछ कह नहीं सकते जी।
लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं जी? ठीक है, थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, छुट्टी के दौरान आपका क्या कुछ रहेगा वहाँ पर? मैं जब एम पी से मिलने जाती थी तो वो हमेशा बोलता था मेरे को कि तू मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी से मिलियो तू, कभी मैं मिलाऊंगी जब घर पर बुलाऊंगी। तो एक कभी सोचा था मतलब ऐसे ही मुलाकात होगी आपकी? एक अपनापन होता है वो था उनके साथ, बहुत अंदर जी। तो अगर मतलब अभी की बात करें तो मतलब एक बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है कि मतलब जो पोस्टर सोनाली फोगाट के द्वारा रिलीज होना था, आज उनकी मतलब उनकी डेथ हो जाने के बाद जो उनकी बेटी के द्वारा किया गया है, और मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे तथ्य? मैं यही कहूँगी कि यशोधरा मेरी छोटी बहन है, अगर इसको कभी भी पूरी लाइफ में कभी भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा इसका साथ दूंगी। और मेरे को तो कोर्ट पर भरोसा है, मुझे कानून पे भरोसा है, बस ये ना हो कि ज़्यादा लेट कर दे हो, क्योंकि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, सॉरी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एग्जैक्टली, मतलब अगर आप बार बार उसको डिले करते रहोगे तो जस्टिस देने का मतलब ही क्या है फिर? तो मैं यही कहूँगी कानून पे पूरा भरोसा है, जो जिन्होंने दोषी हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनको ज़रूर सजा मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछूँगी शोधरा, आपने जैसे सुधीर सांगवान मतलब 3 साल तक आपकी मदर के साथ थे, कोई आपने बिहेवियर ऐसा नोटिस किया हो जो आपको वियर्ड लगा हो और आपने इसको लेकर अपनी मम्मा से बात की हो, कभी ऐसा कुछ नज़र आया था आपको? जब मम्मा के तो बिहेवियर में तो कोई नहीं था, लेकिन वो जैसे फैमिली मेम्बर से बात नहीं करने देता था और मतलब ऐसे दूर करता, वो मेरे को साफ साफ देखता था, तो वो बात मैंने मम्मा से करी थी। तो मम्मा कहती थी कोई ना बेटा हमारी हेल्प कर रहे। तो मतलब आप कितना ज़्यादा संतुष्ट थे सुधीर सांगवान से कि मम्मा के साथ काम कर रहा, मम्मा की हेल्प कर रहा? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे आप? कभी आपको लगता था कि भाई ऐसी साजिश भी रच सकता है ये बंदा? कभी भी नहीं? एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अगर मैं पूछूँ कि राजनीतिक षड्यंत्र आपको लगता है कि इसके बिहाइंड हो सकता है? मैम आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या आप गुजारिश करना चाहेंगे? सरकार से मैं तो यही अपील करना चाहती हूँ कि CBI जांच होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो है बड़ा ही मतलब एक तरह से इमोशनल मोमेंट है।